पुलिस महानिदेशक बनने के बाद पहली बार हल्द्वानी पहुंचे अशोक कुमार ने सामाजिक संगठनों के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इसके बाद वो मीडिया से मुखाबित हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश की पुलिस को हाईटेक बनाने पर जोर दिया जाएगा जिससे अपराधियों में पुलिस का खौफ हो। कुमाऊं में महिला थाना खोलने के मामले में DGP अशोक कुमार ने कहा कि महिला थाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर थाने में महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती है और महिला अपराधों से सख्ती से निपटा भी जा सकता है। जनता के सहयोग के बिना नहीं की जा सकता। तो आज हमने जनता से संवाद इसीलिए किया है और आश्वस्त किया है कि हम ऐसी पुलिस व्यवस्था देंगे जिसमें बदमाशों में अपराधियों में पुलिस का खौफ हो, पुलिस का डर हो, किंतु आम नागरिक पुलिस थाने चौकी में अपने को सम्मानित महसूस करे, उसके साथ पुलिस का व्यवहार अच्छा हो और आम आदमी खुद को सुरक्षित महसूस करे, पुलिस को देख कर उसके मन में खुशी की भावना हो। आज उसी दृष्टि से हमने जनता के साथ यहाँ पे वार्ता की, सहयोग एक आपस में कैसे सहयोग दिया जा सकता है पुलिस के साथ, और बहुत सारे इश्यूज ट्रैफिक के, ड्रग्स के, साइबर क्राइम के, महिला सुरक्षा के, बच्चों की सुरक्षा के, ये सब उनसे साथ विचार विमर्श हुआ। और सर्टेनली कुछ इश्यूज थोड़े बड़े होते हैं, जैसे ट्रैफिक और पार्किंग का इश्यू है, उसका सोल्यूशन आसान नहीं होता। इसके बावजूद हम प्रयास करेंगे कि यहाँ के लोगों को जो बेस्ट पॉसिबल पुलिस व्यवस्था है वो प्रदान करने का प्रदान की जाए। सर, महिला थाने के लंबे लेटेस्ट चुनौती है पुलिस के लिए, पूरे समाज के लिए, और सबसे बड़ी चुनौती है। कारण सब कुछ ऑनलाइन हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, और सब कुछ ऑनलाइन में आप देखेंगे इवन शिक्षा आज की तारीख में ऑनलाइन, जॉब्स ऑनलाइन हो गए, पूरा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो गया। तो ऐसे में नेचुरल है कि क्रिमिनल भी ऑनलाइन आए, जब पैसा ऑनलाइन आ गया तो अपराधी भी ऑनलाइन है। सर, आपके इसी तरह सोशल संबंध ऑनलाइन हो गए, सोशल रिलेशन ऑनलाइन हो गए ना, फेसबुक और ये सब पे रिश्ते बन रहे हैं, तो वहाँ भी क्राइम शुरू हो गया महिलाओं के साथ, मतलब बदतमीजी या बुलिंग, तो ये सारी चीज़ें नेचुरल है कि क्राइम ये इसमें बढ़ता जा रहा है। इसके लिए हमें जागरूकता की जरूरत है, तो हमें समाज का सहयोग चाहिए। हम जागरूकता भी फैला रहे हैं, हम क्राइम को लिख भी रहे हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं। हमने उत्तराखंड पुलिस ने नाइजीरियन अपराधियों को, उड़ीसा अरुणाचल के अपराधियों को, झारखंड के अपराधियों को पकड़ा है और आगे ही पकड़ते रहेंगे। बड़े बड़े केस खोले जाए, 56 लाख का होगा, 95 लाख का होगा, तो करते रहेंगे, पर लोगों को भी इसमें जागरूक रहने की चल रहे हैं। एक श्रीनगर और एक अल्मोड़ा, ठीक है, वहाँ कोई विशेष अपराध की रिपोर्टिंग नहीं है। महिला जो है, हमने उसकी बजाय क्या किया, हमारे 159 थाने प्रदेश के, हर थाने में एक SI महिला और 4 महिला कांस्टेबल हमने लगा दिए, तो हर थाना महिला फ्रेंडली हो गया। मैं खाली एक विशेष थाना बनाऊँ उसके बजाय मेरा प्रयास है कि हर थाना महिला फ्रेंडली हो, कोई भी महिला, कोई भी लड़की बच्ची वहाँ जाने में अपने को असुरक्षित महसूस न करे, उसे झिझक महसूस न करे। CCTV लगा दिया हमने हर थाने में, तो हमारा हर थाना महिला फ्रेंडली होगा, इसलिए महिला, कोई भी महिला थाना हम नहीं बना। सर, बात राजधानी की चर्चित पुनः बताए।